Hello everyone, welcome to English Learning Camp. Today we will learn about narrative writing. So let's learn and write together. First of all, it's very important to know what narrative writing is. Narrative is a type of writing that tells a story or recounts a specific experience or event. Narrative transports reader to different worlds, immersing them in captivating stories and experiences. Now it's time to know the purpose of the writing. आप जो नैरेटिव लिख रहे हैं उसका बेसिकली पर्पस क्या है? इज इट टू एंटरटेन, इंस्पायर और एजुकेट रीडर्स थ्रू स्टोरी टेलिंग, टू इवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड क्रिएट कनेक्शन? अगर आपका पर्पस एंटरटेनमेंट या इमोशनल रिस्पॉन्सेज को इवोक करना है तो आपका यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंगली होगा. आज हम जो चीज़ भी डिस्कस करेंगे मेनली इट विल बी लिंक्ड विद द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स लर्न अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग. इन की एलिमेंट्स का आपकी नैरेटिव राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है. ये फीचर्स आपकी नैरेटिव को ज़्यादा इंगेजिंग बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स कंपेयरिंग कैरेक्टर्स. जो भी कैरेक्टर वो अपनी स्टोरी में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिलेटेबल होना ज़रूरी है. आपका रीडर उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर पा रहा हो. फॉर एग्जांपल, इन योर नैरेटिव यू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट, तो आप जो भी स्टूडेंट के बारे में या जो भी उस कैरेक्टर ट्रेट्स उसके अंदर डालने जा रहे हैं, आपका एक नॉर्मल बच्चा अपनी डे टू डे लाइफ को उसके साथ लिंक कर पा रहा हो, रिलेट कर पा रहा हो. सेकेंड इज इंगेजिंग प्लॉट. Your plot should be very engaging. It's basically a series of events and actions that you are going to add in your narrative. So the very first sentence that you write on the paper till the very end is your plot. Aapka plot jitna well built hoga, aapka plot jitna relatable hoga, utna hi aapka reader uske sath connection build kar pa raha hoga aur uske liye wo interesting hoga. Descriptive language. Use of descriptive language is very important. Achha, usually we get to have a question from the side of the students why it is necessary to learn about the use of descriptive language jab hum narrative likh rahe hain. Basically description aapki har cheez ko detail mein create karta hai aur aapke liye image building ka kaam karta hai. Aapka character jitna acha describe kiya hoga, aapka plot jitna acha detail mein description uski di gayi hogi, aapke reader ko us plot ki complexity ko understand karna utna hi aasan hota jayega. पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप कैरेक्टर्स यूज़ करें डेफिनेटली देर विल बी सो मेनी कैरेक्टर्स इन योर फीचर राइटिंग. सो जो भी आप अपना कैरेक्टर यूज़ करें उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा. योर वन कैरेक्टर इज मूविंग इन द स्टोरी अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अदर कैरेक्टर इज मूविंग अकॉर्डिंग टू हर और हिज पॉइंट ऑफ व्यू. आपके रीडर के लिए इन दोनों कैरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्शन वो स्टोरी में ले रहे हैं वट इज़ द पर्पज बिहाइंड दैट, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. थीम, जो भी जब भी आप अपना प्लॉट लिखना शुरू करोगे आपकी पूरी स्टोरी उस प्लॉट का एक थीम होगा और आपका वेरी सेंटेंस टिल एंड उस थीम के अकॉर्डिंग चल रहा होगा. तो आपकी स्टोरी एक थीम के अराउंड इवॉल्व हो रही होगी और एट द एंड वही थीम आपका मेजर एक रीड बिटवीन द लाइंस होगा. ओके, दिस हैपन इन दिस वे और दिस वॉज द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट हैपन इन द स्टोरी और दिस फॉल हैपन ड्यू टू दीज थिंग्स. सो आपकी एक थीम होगी उन स्टोरी में. यू शुड हैव प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग इन द स्टोरी. आपका एक प्रॉपर फर्स्ट पैराग्राफ हो जिसमें आपकी बिगनिंग हो, रीडर को पता हो समथिंग इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग एंड द सेकेंड देन यू विल बी हैविंग इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द मिडल. मिडल में जहाँ आपका एक्शन जो है वो पीक पे चला गया एंड देन द थिंग्स आर गेटिंग रिजॉल्व और वो एंड की तरफ जा रही है. सो यू शुड हैव अ प्रॉप दिस बेसिकली दिस बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग इज योर प्लॉट. यू शुड कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर प्लॉट. नाउ इट्स टाइम टू गिव यू सम टिप्स फॉर क्रिएटिंग इंगेजिंग नैरेटिव्स. हाउ कैन यू मेक योर नैरेटिव्स इंटरेस्टिंग? Start with captivating opening. जितनी आपकी interesting opening होगी, जितनी आपकी first sentence जो है वो captivating होगा, आपका reader उतनी जल्दी उसमें interest लेना शुरू करेगा, उतनी जल्दी उस story के साथ connect होना शुरू हो जाएगा. Develop strong and relatable characters. अगर आपके strong characters नहीं हैं, relatable नहीं हैं, आपका reader जो है अपने day to day life में उन characters के साथ link create नहीं कर पाता, so it's so out of the world कैरेक्टर्स आपने क्रिएट कर दिए हैं, शायद आपके रीडर के लिए वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो. क्रिएट सम विविड सेटिंग्स. आपकी सेटिंग्स जितनी डिटेल्ड होगी, जितनी स्ट्रक्चर्ड होगी, उतनी ही आप इर्द गिर्द की चीज़ों से जो कि स्टोरी में हो रहे हैं या एक्शंस जो स्टोरी में हो रहे हैं उनके साथ आपका रीडर जल्दी कनेक्ट हो जाएगा. मस्ट यूज फिगरेटिव लैंग्वेज. वट बेसिकली फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ इट्स योर इट्स द यूज़ ऑफ सिमिलीज, मेटाफोर्स. आप
की फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करने से ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत बड़ी बात बहुत आसानी के साथ कुछ लफ्ज़ों में रीडर को समझा देते हो। स्पेशली ये टेक्निक आपके बहुत ज़्यादा काम आती है जब भी आप बात कर रहे होते हो वर्ड लिमिट के अंदर की। इन स्टोरीज इन नैरेटिव राइटिंग्स जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं यूजली वी हैव लिमिटेड वर्ड लिमिट और हमें अपनी उस वर्ड लिमिट के अंदर अंदर ही बात को पूरा करना होता है। तो आपका यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज बहुत बड़ी बात को या बड़ी आसानी के साथ आपके रीडर को एक चीज़ समझा देता है इन विद इन फ्यू वर्ड्स। बिल्ड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, बिल्डिंग टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, अगर आपकी स्टोरी बड़ी स्मूथ जा रही है, योर कैरेक्टर्स आर हैविंग वेरी पीसफुल हैप्पी लाइफ, उस स्टोरी में किसी का इंटरेस्ट नहीं है ना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंजॉइंग लिविंग हैप्पीली। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस लिए हो रहा है उनमें, अच्छा अब ये ऐसे हो गया और ये वैसे हो गया, ये बिल्डिंग टेंशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी। मास्टरिंग स्टोरी टेलिंग स्किल्स, कैसे आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हो, किस तरह से आप एक बेहतर नैरेटिव जनरेट कर सकते हो। बैलेंस बिटवीन डायलॉग एंड नरेशन। अब यूजली ये होता है कि जब हम एक नैरेटिव लिख रहे हैं, वर्ड लिमिट है 350 to 450 वर्ड्स, और 450 के अंदर अगर एवरी सेकेंड सेंटेंस इज गोइंग टू बी अ डायलॉग, आपका वो उसमें बैलेंस नहीं रहता। स्टोरी में डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपकी सेटिंग्स की डिटेल चाहिए, आपकी सिचुएशन और जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं उनकी डिटेल चाहिए। सो इफ द वर्ड लिमिट इज 350 to 450 वर्ड्स, उसके अंदर 2 to 3 डायलॉग्स आर इनफ टू ऐड, लेकिन डोंट स्किप द डायलॉग पार्ट। यूज़ फोर शेडोइंग एंड सस्पेंस टेक्निक। सस्पेंस आपके रीडर को इंगेज करता है, ओके व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन आफ्टर दिस। ये जो सस्पेंस होता है वही बेसिकली आपके रीडर को इनकरेज करता है टू रीड फर्दर। तो जितने अच्छे से आप अपनी सस्पेंस की टेक्निक को यूज़ करोगे स्टोरी उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाती है। Incorporate sensory details. Use your senses, your 5 senses. Talk about your hearing. Talk about the taste of food maybe. Talk about the sight of anything. जो जितनी ज़्यादा आप sensory details को add करते जाते हो, senses जब reader उस story को पढ़ रहा होता है उसकी अपनी senses उसको capture करती जाती हैं। Experiment with different writing styles and techniques. कभी भी एक जैसे writing style के ऊपर काम नहीं करें। अगर आपने first time you have started your story with the intro of the character, next time maybe go with the intro of the setting. अगली दफ़ा दूसरी टेक्निक को यूज़ कर लें। उस एक जैसी चीज़ बोरिंग हो जाती है, डोंट गो फॉर द बोरिंग स्टफ। अच्छा, क्राफ्टिंग इफेक्टिव प्लॉट। जब भी आपको लगता है कि आप अपना एक अच्छा प्लॉट करना चाह रहे हो, इफेक्टिव प्लॉट को क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, इंट्रो टू एक्सपोजिशन, आपका प्रॉपर राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन योर इफेक्टिव प्लॉट स्ट्रक्चर। Exploring points of view. You are going to write your story in first person, third person limited and third person omniscient. अच्छा, अब first person में this is all about you, I felt in this way. Third person में आप he felt in that way or they did this thing in that particular way. So person omniscient is a god-like presence. Like you, that god-like person is present everywhere. He has the access to everybody's thoughts. और वो बता रहा है कि इसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया। हैरी फॉर एग्जांपल, हैरी ने गाड़ी वॉश नहीं की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था। लीना डिड दिस थिंग इन द स्टोरी, दिस इज हर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज दीज आर हर थॉट्स। सो इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन रीडर्स एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट ऑफ व्यू जब आप फर्स्ट पर्सन में हो या सेकंड पर्सन में हो, ये रीडर के एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छा बना देता है और इसी तरह से आपकी स्टोरी उसके लिए ज़्यादा इंगेजिंग होती जाती है। रिवाइजिंग एंड एडिटिंग टेक्निक्स। यू आर डन विद द स्टोरी, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ इवेल्युएशन। री रीड योर नैरेटिव, वट एवर यू हैव रिटन ऑन द पेपर, री रीड इट एंड टेक द फीडबैक ऑफ द पीयर्स। पीयर फीडबैक से ये होता है कि आपको डिफरेंट रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाता है आपकी स्टोरी के बारे में क्या है, बिफोर के वो एग्जामिनर के पास जाए। पॉलिशिंग लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू पॉलिश योर लैंग्वेज, लर्न ग्रामर एंड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, यूज़ ऑफ करेक्ट पंक्चुएशन स्टोरी को टोटली चेंज करके रख देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट रीडिंग नॉवल द अदर डे, उसमें लास्ट सेंटेंस ऑफ दैट वॉज दिस वॉज द एंड एंड आफ्टर दैट they put a question mark.
अब जो क्वेश्चन मार्क था उसने एक्चुअली रीडर को सोचने पे मजबूर कर दिया. वॉज इट एक्चुअली द एंड? इंश्योरिंग कोहेरेंस एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन आपकी स्टोरी के प्लॉट को इंटरेस्टिंग बना के रीडर के सामने पेश करती है. सो मेक श्योर इट्स लॉजिकल. होपफुली ऑल दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड विल सी यू अगैन.